हेलो गाइस, मेरा नाम मनप्रीत है और आज मैं आपको सेक्शन 54 ईसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। सेक्शन 4 ईसी में सबसे पहली बात आती है कि इसका टाइटल क्या है। टाइटल में है कि ट्रांसफ़र ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो उसका ट्रांसफ़र करना है और हमें परचेज करनी है दो स्पेसिफाइड एसेट। अब दो स्पेसिफाइड एसेट के बारे में बताता हूँ। इसमें बताया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ करनी है। इन्वेस्टमेंट हमें करनी है शेयर्स में, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। किस कंपनी के शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर में? दो कंपनीज बताई हुई हैं, स्पेसिफाइड है वो। एक तो है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और दूसरी है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन दो कंपनीज के शेयर्स, बॉन्ड या डिबेंचर में हमें इन्वेस्टमेंट करना है कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेच के, ट्रांसफ़र करके आई हुई, ठीक है। अब दूसरी बात इसमें आती है कि लॉक इन पीरियड है वो 3 साल है इसमें, और अभी कौन कौन SSC इसकी एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। इसमें ये है कि कोई भी SSC हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, HUF हो, कंपनी हो, AOP हो, कोई भी हो, हर कोई इसकी एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 54EC, ठीक है। और इसके बाद सेकेंड नंबर पे बताना है टाइम। इसमें पहली बात, जो डिपॉजिट स्कीम है वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और जो टाइम लिमिट है 0 डेट से 6 मंथ्स, ठीक है। और अब इसमें बताया हुआ है कि जो एग्जम्पशन मिलनी है, एग्जम्पशन में क्या है कि जो टेम्प्रेरी एग्जम्पशन है वो तो मिलती नहीं, क्योंकि डिपॉजिट स्कीम ही एप्लीकेबल नहीं है, तो उस वजह से टेम्प्रेरी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, ठीक है। और जो एक्चुअल एग्जम्पशन है वो मिलेगी, बट उसकी एक लिमिट लगाई हुई है। लिमिट क्या है? 50 लाख। 50 लाख दो फाइनेंशियल ईयर्स में, ठीक है। तो दो फाइनेंशियल ईयर में हम टोटल एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं 50 लाख, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसमें Consequences 1 आता है। Consequences 1 एप्लीकेबल ही नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि डिपॉजिट स्कीम एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। दूसरी Consequences 2 आता है। इसमें क्या है कि जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो लॉन्ग टर्म ही रहती है, और जो शॉर्ट टर्म होती है वो शॉर्ट टर्म ही रहती है। सेम। थैंक यू।